नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विद मल्टीबर्गर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मैं आज सबिता ऑयल लिमिटेड के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। आप देख से देख पा रहे हैं कि ये कंपनी सबिता ऑयल जो है ये लुब्रिकेंट ऑयल बनाती है ऑटोमोबाइल्स कंपनी के लिए। वाइट और लिक्विड पैराफिन बनाती है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, जो हमारे डेली कंज्यूमर्स में यूज़ होते हैं। ये कंपनी जो है विंडमिल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम करती है। और बाकी डिटेल्स आप यहाँ से देख पा रहे हैं। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हैं, सैबसॉल जो लुब्रिकेंट प्रोडक्ट है वो मार्केट में सप्लाई भी करती है। आप यहाँ से इसके सारे बिजनेसेस को भी देख सकते हैं कि केबल में भी है ये, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, ऑक्साइड वैक्सेस में भी है, पेट्रोलियम जेली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी है जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। चलिए अभी देखते हैं इसके बाकी फंडामेंटल्स को। आप देख पा रहे हैं जैसे कंपनी का ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, किस प्रकार कंपनी का प्राइस नीचे गया था 2020 के डाउन में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मार्च 2020 में कंपनी का जो प्राइस 700 रुपये चला गया था, अभी कंपनी का प्राइस अगेन 1200 रुपये पर आ चुका है। ठीक है, अभी इसके डिलीवरीज को अगर देखते हैं तो ये देखिए 50% उन के परसेंट पे है। कॉर्पोरेट एक्शन अभी इसमें कभी कोई कॉर्पोरेट एक्शन अभी फिलहाल नहीं लिखा है डिविडेंड के बारे में। अभी इसके इंडिकेटर्स को देखिए आप यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि लेबल है इंडिकेटर्स, मे बी वी कैन बिगेन, इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑटोमोबाइल्स कंपनी ऑटोमोबाइल्स में है, लुब्रिकेंट्स है, सविता ऑयल है। इसके वेबसाइट को हम देख ही चुके हैं। प्राइस देखिए 1220 है, मार्केट कैप 1687 है, एंटरप्राइज वैल्यू 1851 है एज़ पर सितंबर 2021 के रिजल्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए इसका ईपीएस जो है 223 है, अर्निंग पी जो है 5.46, कितना कम पी पे है। इंडस्ट्री पी 12.7 है, तो इंडस्ट्री पी से कम चल रहा है अभी। बुक वैल्यू 854 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.4 है और डिविडेंड 1.2। बहुत अच्छी डिविडेंड दे रही है कंपनी, फेस वैल्यू 10 का। अगर इसके आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो देखेंगे कंपनी का जो हर हर क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है इसके सेल्स ग्रो कर रही है। देखिए किस प्रकार कंपनी ने 400 से 690 पे, 481 से 690 करोड़ पे सेल्स लेके आ गए हैं। इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है, तो ये थोड़ा ऐसे कंसर्न है जिसकी वजह से इसका बीटा भी डाउन आया है 76 करोड़। अभी इसको आप अगर देखें तो कंपनी जो इंटरेस्ट भी बहुत कम पे कर रही है और इंटरेस्ट को रिड्यूस भी कर रही थी कि 5 करोड़ से 3 करोड़ पे आ गई पिछले 2 क्वार्टर में। इसी प्रकार देखिए टैक्स वगैरह सब देने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आप देख पा रहे हैं कि 37 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ हो चुका है। अगर आप इसके एनुअल रिजल्ट को अगर देखें तो आप पाएंगे कि कंपनी का एनुअल रिजल्ट भी धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल से लॉकडाउन आने की वजह से कंपनी का जो सेल्स है वो थोड़ा डाउन हुआ था। एबिटा अभी इसका एबिटा कंपनी ने साल 21 में 300 करोड़ का एबिटा किया है। कंपनी इंटरेस्ट बहुत कम पे कर रही है जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल टैक्स पे करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 223 करोड़ पे है, जो कि 2022 में इसको और बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप इसके रेशियोज़ को देखें तो देखेंगे 22 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 31 का है और रिटर्न ऑन एसेट भी 14 का है। इसके इसके अगर आप इफिशियंसी रेशियो की बात करेंगे तो एबिटा मार्जिन देखिए 17% पे आ चुका है, एबिट मार्जिन भी 16% पे है और इसका ओवरऑल जो इसका जो बुक वैल्यू है वो इंक्रीज होकर 775 रुपये पे आ गया 452 से। सो कुल मिला के बहुत ही अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल देखिए आप 127 दिन का है, जो कि वो भी अच्छी बात है। कंपनी अच्छे वर्किंग कैपिटल को मेंटेन की हुई है, ज़्यादा अभी नीचे नहीं है और ज़्यादा अभी ऊपर भी नहीं है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स में जाके इसके बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि कंपनी ने अपना इक्विटी कैपिटल कभी रिड्यूस नहीं, जबकि इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस किया है। या देखिए 1460 से 1432, मतलब बायबैक दिया है कुछ कंपनी ने, अच्छी बात है। और ये देखिए कभी घटा के कितने जबरदस्त तरीके से 1382 पे आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी अपना इक्विटी कैपिटल जो है उसको 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 वो में घटाती जा रही है और उसी प्रकार देखिए रिजर्व भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आप देखेंगे दोनों ही संकेत बहुत ही गजब के हैं। और इसके टोटल जो करेंट लाइबिलिटी 11 करोड़ है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटी जो है 636 करोड़ है।
उसी के सामने नॉन करेंट एसेट अगर देखें तो 242 करोड़। करेंट एसेट तो बढ़ता ही चला जा रहा है हर साल हर साल। इसका करेंट एसेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने बढ़ा लिया है, इन्वेंट्री भी कंपनी मेंटेन कर रही है अच्छा खासा। कैश देखिए 106 करोड़ कैश है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं बहुत ही एक बैलेंस्ड कंपनी है जो पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। नेट सेल्स देखिए किस प्रकार बढ़ रहे हैं, अपने एडवाइजर से बात करके ही लें इस स्टॉक को। अभी देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह पे करके भी कंपनी जो है अच्छा सा पैड बना रही है। पहले 126 करोड़ का पैड हुआ करता था, अभी 309 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी अच्छा खासा कैश भी मेंटेन कर रही है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है कंपनी का। अब इसके यहाँ से देखते हैं इसके प्रमोटर का, देखिए किस प्रकार प्रमोटर ने क्या गजब का हर हर बार देखिए ये प्रमोटर जो है 75% था जो बढ़ा के 71-81 कर ली है। तो कंपनी के प्रमोटर ने भी अपना पोजीशन जो है यहाँ बढ़ा लिया है। अगर आप इसके पब्लिक को देखें तो FII धीरे धीरे इसमें बढ़ा रही है अपना पोजीशन, DII अपना कम कर रही है, और पब्लिक तो इंटैक्ट अपना होल्डिंग की हुई है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ से आप इसके शेयर होल्डर को देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं। और यहाँ पर इसके आप कुछ कुछ बड़ी बड़ी इन्वेस्टर जो है इसमें भी होल्ड किए हुए हैं। इसके फंडामेंटल देखिए हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, देखिए हाई रिटर्न ऑन, तो ये सब बहुत कुछ है। कंसिस्टेंट डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। सो अपने एडवाइजर से बात करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करिए। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।